समाजवादी व्यापार सभा की जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रवक्ता राजनीश गुप्ता के प्रतिष्ठान पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंगल, महानगर अध्यक्ष मन्नू कुरैशी का नोटों की माला, लोई, शॉल, पगड़ी पहनाकर धूमधाम से जोरदार स्वागत किया गया। व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भूप सिंह यादव ने जिला अध्यक्ष राजीव सिंगल के हाथों द्वारा उन सभी जिला व्यापार सभा के पदाधिकारियों का मंच पर लोई पहनाकर सम्मान कराया, जिन्होंने 27 जनवरी के धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और व्यापार सभा को सुर्खियों में पहुंचाने का काम किया। व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भूप सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने व्यापारियों को पहले नोटबंदी से परेशान किया, अब जीएसटी और ईबी बिल लाकर व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ दी है। व्यापारी सदमे में है, बैंक भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पहले बैंक पैसों का ब्याज दिया करते थे, अब उल्टा हो चुका है। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला महासचिव मनीष शर्मा ने कहा कि जो सम्मान व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भूप सिंह यादव ने दिया है, ऐसा सम्मान किसी ने नहीं किया। ऐसे अध्यक्ष का व्यापारी वर्ग हमेशा स्वागत करता रहेगा। जिला अध्यक्ष राजीव सिंगल और महानगर अध्यक्ष मन्नू कुरैशी ने भूप सिंह यादव का मंच पर बैठक में पगड़ी पहनाकर सम्मान किया और कहा कि समाजवादी ऐसे ही मेहनती कार्यकर्ताओं की जरूरत है। बैठक में मौजूद मुख्य अतिथि राजीव सिंगल, मन्नू कुरैशी, व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भूप सिंह यादव, जिला महासचिव मनीष शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, जिला प्रवक्ता रजनीश गुप्ता, सुमित गुप्ता, यामिन चौधरी, इश्तियाक चौधरी, संजीव प्रभाकर, शैलेंद्र यादव के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी की जिला व्यापार सभा की सभा है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग और तमाम व्यापारी लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया है और समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ती रही है और यही एक मैसेज, ये संदेश हम मुरादाबाद जिले मुरादाबाद के व्यापारी समाज में ये देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा व्यापारियों का साथ दिया है और आगे भी उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं रहा है कि जब से 3 साल से बीजेपी की जो सरकार आई है, व्यापारी बेहाल हो गया है। पहले नोटबंदी, उससे व्यापारी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। उसके बाद जो जीएसटी लगाई है, इसने व्यापारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होती है तभी वो देश उन्नति कर सकता है और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिसके कारण देश की उन्नति रुक गई है। व्यापारी परेशान है, साथ में किसान परेशान है, आम आदमी, महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी की कमर टूट गई है।